वेलकम टू सिनेब्रिटी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो फिल्म में बिग बॉस 14 के फर्स्ट रनर अप रहे राहुल वैद्य के हाथ में एक बड़ा मौका लगा है। बिग बॉस 14 स्टार राहुल वैद्य ने इस गेम शो में अपने खेल से फैंस का दिल जीता था और उनकी पर्सनालिटी इस टीवी शो में काफी उभर कर सामने आई। टीवी रियलिटी शो में ही इंडियन आइडल फेम सिंगर ने अपनी सिंगिंग की काबिलियत खुलकर सबके सामने रखी। उनकी सिंगिंग की कई सितारों ने तारीफें भी की और इस गेम शो के बाद में राहुल वैद्य अपनी निजी जिंदगी में बिजी हो गए। बिग बॉस 14 के बाद राहुल वैद्य की गर्लफ्रेंड दिशा परमार संग शादी की खबरें भी ज्यादातर सामने आई। खबरें है कि राहुल वैद्य इसी साल जून महीने में अपनी लेडी लव के साथ सात फेरे लेने वाले हैं और बीते दिनों स्टार कपल ने अपने दोस्त की शादी में भी हिस्सा लिया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। और इसी बीच रिपोर्ट्स की अगर माने तो राहुल वैद्य को अपना पहला बड़ा बॉलीवुड ब्रेक मिल चुका है। ये बिग ब्रेक किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुपरस्टार सलमान खान ने दिया है। खबरों की माने तो राहुल वैद्य सुपरस्टार सलमान खान की आने वाली फिल्म राधे में एक रोमांटिक ट्रैक गाने वाले हैं। और हालांकि अभी हमें इन रिपोर्ट्स पर आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो राहुल वैद्य की चांदी होने वाली है। सुपरस्टार सलमान खान के रोमांटिक ट्रैक अक्सर सुपरहिट ही साबित होते हैं। ऐसे में अगर सलमान खान के लिए राहुल वैद्य उनकी फिल्म राधे में गाना गाते हैं तो ये उनके सिंगिंग करियर के लिए मेगा माइलस्टोन साबित होने वाला है। और इस बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी तरह की बॉलीवुड से जुड़ी और भी ताज़ा अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।